All right, so let's start with the pathology of blood vessels. पहले हम छोटी छोटी एक दो terms कर लेंगे. पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि blood vessels होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं और मसला कहाँ कहाँ हो सकता है. तो थोड़ा सा हमारा knowledge physiology का, थोड़ा सा हमारा knowledge anatomy का touch होगा before we move on to pathology, right? So let's start के वेसल वॉल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं. एक तो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो वेसल की वॉल को बंद कर रहे होते हैं, मतलब द वॉल इटसेल्फ इज बेसिकली मेनली इनर मोस्ट वॉल इज द एंडोथेलियल सेल्स. फिर स्मूथ मसल सेल्स होते हैं और फिर पेरिसाइट्स होते हैं जो वो सेल्स होते हैं जो कैपिलरीज के इर्द गिर्द होते हैं ताकि उनको उन एंडोथेलियल सेल्स को जोड़ के रखें. ठीक है, तो एक जोड़ सा होता है जो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर होता है. सो ये सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वॉल्स के. अब एंडोथेलियल सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली एक मेम्ब्रेन की तरह का एक छोटा सा ये मेम्ब्रेन होती है जो ब्लड के इर्द गिर्द होती है. उसके अंदर से परमेबिलिटी होती है, सेमी परमेबिलिटी होती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर से गुजर सकती हैं. फिर एंडोथेलियल सेल्स प्लेटलेट कोगुलेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोलिसिस प्लेटलेट एडहेरेंस में. फिर ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं, हॉर्मोन्स कुछ मेटाबोलाइज करते हैं, इम्यून रिएक्शंस होते हैं, इम्यून रिएक्शंस को मॉड्यूलेट करते हैं, आर्टरी के अंदर लिपोप्रोटीन्स आ जाए उसको मैनेज करते हैं, और इसके अलावा और बाकी सेल्स की ग्रोथ यानी स्मूथ मसल सेल्स की ग्रोथ को भी मैनेज करते हैं. उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह इस तरह के निकलते हैं. सो अगर एंडोथेलियल इंजरी हो सो जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए एंडोथेलियल इंजरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का और ये आर्टरी ब्लॉकेज के मैकेनिज्म्स का, वो सारा मैकेनिज्म बेसिकली शुरू एंडोथेलियल इंजरी से होता है. सो यही मकसद था आपको बताने का कि ये सेल के ये सेलुलर कॉम्पोनेंट्स हैं इन वेसल्स के. ठीक है, सो एंडोथेलियल इंजरी सबसे पहली चीज़ है, और एंडोथेलियल इंजरी ही हाइपरटेंशन में भी होती है और बाकी डिसऑर्डर में भी होती है. अब एंडोथेलियल इंजरी होती किस तरह की है, एक टाइप को कहते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन और एक चीज़ होती है एंडोथेलियल एक्टिवेशन. जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन है ना बेटा, बेसिकली वो कोई भी जो स्टिमुलस आ रहा है एनवायरमेंटल स्टिमुलस, वेदर इट्स हैजर्डस और नॉट, उसके रिस्पांस में एंडोथेलियल डिसफंक्शन एक रिवर्सिबल चेंज है. बट इट इज़ डिसफंक्शन, इट्स नॉट अ रेगुलर फंक्शन, वो थोड़ा सा ख़राब होता है. लेकिन द थिंग अबाउट एंडोथेलियल डिसफंक्शन इज़ कि वो रिवर्सिबल हो सकता है, वो वापस ठीक हो सकता है. बट देन वी हैव एंडोथेलियल एक्टिवेशन. एंडोथेलियल एक्टिवेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस ऑन द एंडोथेलियल सेल्स, जिसमें चीज़ इतना बिगड़ जाती है कि आपके पीछे जाके जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस पे इम्पैक्ट होता है. अब वो एंडोथेलियल एक्टिवेशन होती कैसे है, कुछ कुछ बैक्टीरिया यानी कि इन्फेक्शन वगैरह जो कॉज होते हैं या साइटोकाइंस जब आते हैं रिस्पॉन्स टू दोज इन्फेक्शन, वो आपकी एंडोथेलियल एक्टिवेशन करते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह और शॉक वगैरह होती है, जो चीज़ें होती हैं सारी की सारी विच आर बिगर थिंग्स. लेकिन अभी हम चूंकि अपनी आप को माइक्रोस्कोपिक होकर एक सेल के ऊपर देख रहे हैं, एंडोथेलियम के ऊपर फोकस करें, सो उसके ऊपर बात करते हैं. लेकिन इसको हमने लिंक इवेंचुअली करना है बड़ी चीज़ों से कि आखिर ये साइटोकाइन ये जो बैक्टीरिया है जब ये एंडोथेलियम पे इफेक्ट करते हैं या जो इन्फेक्शन हैं तो क्या होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं. फिर हीमोडायनामिक स्ट्रेस यानी कि ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या लिपिड्स आ रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है इसकी वजह से, इस एंडोथेलियल एक्टिवेशन की वजह से. हीमोडायनामिक स्ट्रेस हो तो यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी एंडोथेलियल एक्टिवेशन होती है, और उसकी वजह से और मसले होते हैं जो अभी आगे लेक्चर में जाके मैं बताऊंगा. इसके अलावा एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब डायबिटीज़ में शुगर जाके दिमाग नहीं शुरू रहती है या ग्लूकोज जिसे आप कहते हो, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम में बॉडी के, वो आके जो है एंडोथेलियल को एक्टिवेट कर सकता है. उसके मसले मसाइल उसकी बीमारियाँ एंडोथेलियल को एक्टिवेट करती हैं. ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए वो एंडोथेलियल को एक्टिवेट करता है. और वायरसेस, वायरसेस वाला पार्ट मैंने इधर इन्फेक्शंस के अंदर कवर कर दिया था. इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बेटा वी हैव क्या उसे कहते हैं, जब एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद और साइटोकाइंस और कीमोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स और मॉलिक्यूल्स और कोएगुलेशन फैक्टर्स सारे के सारे और एक्टिवेट होते हैं, और फिर एक वो साइकिल सा बन जाता है, विशेष साइकिल, जिसकी वजह से और एंडोथेलियल एक्टिवेशन होती है. सो साइटोकाइंस की वजह से एंडोथेलियल एक्टिवेशन हुई, एंडोथेलियल एक्टिवेशन ने और साइटोकाइंस एक्टिवेट किया, और फिर ये सेल साइकिल जो है वो चलता रहता है और यूँ बीमारी
होना शुरू हो जाती है। सो एंडोथीलियम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके हमने एंडोथीलियल डिस्फंक्शन और एंडोथीलियल एक्टिवेशन के बारे में बात की। अब हम दूसरे सेलुलर कंपोनेंट पे आते हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का काम क्या है बेटा? स्मूथ मसल्स ने या वैसल खोल देनी है या बंद कर देनी है, सो वेजो डायलेशन या वेजो कंस्ट्रिक्शन। उसके अलावा कॉलेजन सिंथेसिस, इलास्टिन सिंथेसिस, जो भी इलास्टिक प्रोटीन मटीरियल होता है विद इन द वेसल वॉल, वो सारे के सारे उसकी प्रोडक्शन इज स्मूथ मसल का काम। फिर उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन्स निकलते हैं, फिर वो यू नो कनेक्टिव टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जो कॉम्पोनेंट्स है वो बनाते हैं। और आर्टरीज की आपने अपनी एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया, तीन लेयर्स होती हैं। तो जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं बेसिकली दरमियान वाली लेयर में होते हैं। इंटीमल लेयर जो है ज़्यादातर उसमें एंडोथीलियम होती है, अंदर वाली लेयर, जो बाहर वाली लेयर होती है उसके अंदर और कनेक्टिव टिश्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ये फिर एंटीमा यानी कि अंदर वाली लेयर में भी कई दफ़ा माइग्रेट कर जाते हैं और उसको भी हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिजीजेज दैट वी आर गोना कवर इन दिस लेक्चर। एक हम आर्टरीज के डिजीजेज करेंगे, वेन्स और लिम्फैटिक्स के डिजीजेज करेंगे, और उसके बाद इन आर्टरीज वगैरह के ट्यूमर्स करेंगे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक थिंग दैट हैपेंस इन आर्टीरियल डिजीजेज। अच्छा, होता क्या है? सबसे ज्यादा जो इनर मोस्ट लेयर होती है आर्टरी की, ट्यूनिका एंटीमा होती है पहले। देयर इज ट्यूनिका एंटीमा, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, अ कंसेप्चुअल डायग्राम। इतनी अच्छी डायग्राम तो बना नहीं सकता मैं, लेकिन दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। सो ये जो है दिस इज नोन एज एंटीमा। तो ट्यूनिका जब वेस्कुलर इंजरी होती है तो उसके अंदर एंटीमल थिकनिंग होती है, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा सबसे पहले आपको नजर आना शुरू होता है उस वेस्कुलर इंजरी का इम्पैक्ट। सो वेस्कुलर इंजरी अक्सर और बेशतर लाइक 90% ऑफ केसेस में वहाँ पे प्लेटलेट एडहेरेंस आनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे कोएगुलेशन होती है। बिकॉज द ओनली नोन वे टू ब्लड, जो ब्लड को पता है कि मैंने क्या करना है अगर यहाँ पे इंजरी हो रही है, तो वहाँ पे पट्टी बांधनी है। ठीक है, वो इंजरी किस तरह की है उसको नहीं पता, उसको नहीं आइडिया कि इंजरी मुझे यहाँ पे पट्टी बंद करनी है या क्या करना है, उसने जाके वहाँ पे अपना कोएगुलेशन कैस्केड शुरू कर देनी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब हम क्या क्या डिजीज करेंगे आर्टरीज के डिजीज में? एक हम कंजेनिटल एनोमलीज देख लेंगे, यानी जो बाय बर्थ होती हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट एथेरोस्क्लेरोसिस, व्हिच इज बेसिकली व्हाट कॉजेज हार्ट अटैक, बेसिकली व्हाट कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स एंड व्हिच आल्सो यू नो लीड्स टू स्ट्रोक। फिर उसके अलावा हाइपरटेंशन में क्या होता है आर्टरीज के अंदर, फिर कुछ इन्फ्लेमेशन होती हैं, वेस्कुलाइटिस उन्हें कहते हैं, फिर रेनॉल्ड्स डिजीज जो हमने थोड़ा सा पहले भी टच किया था, और एनोरिजम्स एंड डिसेक्शंस। एनोरिज्म्स को हमने पहले टच किया हुआ है, बट उसका जल्दी से हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कंजेनिटल एनोमलीज। कंजेनिटल एनोमलीज में क्या होता है कि जो एनाटॉमी होती है ना आर्टरी की, वो खराब हो जाती है, यानी उसकी जिस तरह उसने ब्रांच होना है, या जिस तरह की उसकी शेप होनी है, या जिस तरह का उसके एनास्टोमोसिस है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। आई एम होपफुल एंड आई एम श्योर कि आपको एनास्टोमोसिस के बारे में पता होगा, इट्स समथिंग दैट यू शुड हैव स्टडीड इन जनरल एनाटॉमी। जब दो आर्टरीज या दो ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज ज्वाइन करती हैं तो उसको एनास्टोमोसिस कहते हैं। ठीक है, सो एनाटॉमी में कोई ना कोई मसला कंजेनिटली ज्यादातर होता है। एक चीज होती है बेरी एनोरिज्म। एनोरिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था डायलेशन या स्वेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ आर्टरी। ठीक है, बेरी एनोरिज्म वो छोटी छोटी बेरीज की तरह फूल जाती है आर्टरी कुछ कुछ जगहों से। ठीक है, और ज्यादातर ये सेरेब्रल ब्रेन में होती है, इसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह भी हो सकते हैं कुछ लोगों में, या एटलीस्ट सब एरेक्नॉइड हेमरेज तो होता है। दैट्स काइंड ऑफ ब्रेन क्या उसे कहते हैं, ब्लीडिंग इन ब्रेन, जिसके बारे में हम जो है वो फिर डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, आर्टीरियो वेनस फिस्टुलाज बन जाते हैं। आर्टीरियो वेनस फिस्टुला का मतलब क्या है कि आर्टरी और वेन के अंदर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉर्मली जो है आर्टरी और वेन के अंदर कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होती, वाया कैपिलरीज होती है, बीच में कैपिलरीज होती हैं, उनके थ्रू जो है वो फ्लूइड एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, और इनटेक एंड एक्सटर्नल आउटफ्लो ऑफ मटेरियल्स होता है या डेब्री वगैरह। लेकिन जो आर्टीरियो वेनस फिस्टुला जब बन जाते हैं तो डायरेक्ट उनकी उनकी कम्युनिकेशन होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो फूल जाती है। ठीक है, नॉर्मली आर्टीरियो वेनस एनास्टोमोसिस होते हैं जो आपके टिप ऑफ फिंगर्स वगैरह हैं उसके अंदर, नॉर्मल भी आर्टीरियो वेनस एनास्टोमोसिस होते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो एबनॉर्मल होते हैं, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे बन जाते हैं। तो जब ऐसे बनना शुरू होता है तो फिर क्या होता है कि ब्लड शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है आर्टीरियल साइड से वेनस साइड पे। तो जो हार्ट जब पंप कर रहा था शुरू में, उसने तो सारा आर्टरीज में या आर्टीरियल पाथवे पे उसने पंप करना था, लेकिन अब चूंकि वेनस पाथवे भी साथ मिल गया, तो जब हार्ट
ज्यादा जोर से बार 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 पंप करता है तो इवेंचुअली फिर कार्डियक फेलियर होना शुरू हो जाता है बिकॉज हार्ट हैज टू डू मोर वर्क देन नॉर्मल. अच्छा इसके अलावा वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग एथेरोस्क्लेरोसिस है. अब एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर दो तीन तरह की चीजें आती हैं. एक एथेरोस्क्लेरोसिस इटसेल्फ है, तो ये जो तीनों चीजें उनमें जो कॉमन बात है वो ये है कि द आर्टेरियल वॉल विल बिकम थिक एंड विल लूज इलास्टिसिटी. तीन तरह के एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं. एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस है जो आपने हार्ट अटैक वगैरह में देखा है कि जिसमें फाइब्रस प्लाक्स बन जाते हैं और बीच में उसके लिपिड जमा होना शुरू हो जाता है जिसे फाइब्रो फैटी प्लाक्स कहते हैं. फिर इसके अलावा कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्सिफाइड स्क्लेरोसिस होता है, मतलब 50 साल से ऊपर की लोगों में जो मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के तीन साइजेस होते हैं स्मॉल आर्टरीज मीडियम एंड लार्ज, जो मीडियम साइज आर्टरीज होती हैं उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, एक इस तरह का एथेरोस्क्लेरोसिस होता है. एक तीसरी तरह का होता है जिसे कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. ये ज्यादातर होता है ब्लड प्रेशर जिनका रेज हो उनके अंदर, और ये दो तरह का होता है. एक हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हाइलिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है उसके अंदर और ये रेडिश नजर आती है अंडर द माइक्रोस्कोप, और एक हाइपरप्लास्टिक थिकनिंग होती है. ये दोनों आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है. अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन कैसे ये कॉज करती है. सो ये तीन तरह की टर्म्स हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर आती हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस इटसेल्फ क्या है, आपको पता है कि यू नो इट इज दैट पार्ट ऑफ पैथोलॉजी जो आपको अब से लेकर पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा पता रहनी चाहिए बिकॉज इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स. ठीक है, उसमें इलास्टिक आर्टरीज जो मीडियम साइज आर्टरीज होती हैं, लार्ज साइज आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर इम्पैक्ट होना शुरू होता है, और अक्सर ये उन आर्टरीज में होता है, मतलब बेसिकली अक्सर ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है क्योंकि हल्का 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 जब से आप पैदा होते हैं तब से लेके आगे तक हल्की हल्की आर्टरीज में वो भरना शुरू हो चुकी होती हैं. लेकिन सिम्टोमेटिक उस वक्त होता है जब हार्ट में, ब्रेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या किडनीज और लोअर एक्सट्रेमिटीज या लोअर लिम के अंदर वाली आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो, तब सिम्टम्स नज़र आते हैं. तो सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि क्या नज़र आता है, डिजीजेज जो बनते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेरेब्रल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह, और एओर्टिक एनुरिज्म भी इसकी वजह से होता है. जब हम एनुरिज्म को थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं तो उस वक्त आप देखेंगे इसको. फिर इसके अलावा गैंग्रीन वगैरह हो सकती है, मिजेंट्री जब यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास का एरिया जब बंद होता है तो वहाँ पे बहुत शदीद पेन हो सकती है. फिर हार्ट अटैक अगर कंट्रोल नहीं है, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, या उसकी कॉम्प्लिकेशन में एरिथमिया वगैरह जब होती है उसकी वजह से कार्डिक डेथ हो सकती है. फिर क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज वगैरह हो सकता है, इस्कीमिक एनसेफलोपैथी हो सकती है यानी कि ब्रेन इस तरह से डैमेज होना शुरू हो जाए कि यू नो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सही तरह से ना आ रही हो. सो एथेरोस्क्लेरोसिस के ये सारे के सारे आगे इम्पैक्ट होते हैं. तो बनता होता कैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस लेक्चर के अंदर. एथेरोस्क्लेरोसिस में होता यह है कि बेसिकली पहले छोटे छोटे फैटी स्ट्रीक्स बनते हैं, फिर वो उसके प्लैक्स बनते हैं, ये पहले बल्कि डॉट्स होते हैं, फिर डॉट्स लाइंस बनती हैं डिपॉजिट्स की, फिर वो लाइन एक बड़ा एरिया बन जाता है, फिर उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है और आके जमा होनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें और क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, और इवेंचुअली फिर उस फाइब्रो फैटी मटीरियल के ऊपर क्लॉट इतना बड़ा हो जाता है कि वो सारे का सारा एरिया यानी कि आर्टरी पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है. अब आपको ये नज़र आ रहा है कि यू नो एनुरिज्म में इस तरह होता है, गैंग्रीन वगैरह में इस तरह हो सकता है, स्ट्रोक में या हार्ट अटैक में इस तरह हो सकता है. ठीक है, सो क्या क्या नज़र आता है मॉर्फोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी में, आपको क्या क्या नज़र आता है जब आप उसकी डाइसेक्ट करके उस आर्टरी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो इंटीमल थिकनिंग एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हर वेस्कुलर इंजरी का एंड इंटीमल थिकनिंग है, और उसके अंदर लिपिड भरा हुआ होगा, लिपिड एक्युमुलेशन, और वो कैसे होगा, एथ्रोमेटस प्लैक्स की फॉर्म में, और उससे पहले फैटी डॉट्स और फैटी स्ट्रीक्स बनते हैं एज आई जस्ट टोल्ड यू. तो फैटी स्ट्रीक्स तो तकरीबन बच्चों में भी हो जाते हैं लेकिन वो ब्लड फ्लो को कोई उस इम्पैक्ट नहीं डालते, नॉर्मल चीज़ होती है. लेकिन फैटी स्ट्रीक्स जो है स्लोली स्लोली ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं मतलब उससे पहले ये डॉट्स की फॉर्म में होते हैं जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम होते हैं, फिर वो बड़े होते जाते हैं जब वो मिल जाते हैं और 1 सेंटीमीटर से बड़े हो जाए तो वो फैटी स्ट्रीक्स बन जाते हैं, और उसके अंदर लिपिड फिल्ड सेल्स होते हैं जिन्हें फोम सेल्स कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स और लिपिड्स जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं. बेसिकली एक बीच में लिपिड होता है और उसके ऊपर एक फाइब्रस कैप होती है जो एथेरोमेटस प्लैक होता है, उसके अंदर उसको आप फाइब्रस, फाइब्रो फैटी, लिपिड, फाइब्रोलिपिड हर तरह का प्लैक कह सकते हैं क्योंकि उसके थोड़ा सा फाइब्रस पार्ट भी होता है. कलर उसका वाइटिश और येलोविश होता है और सेंटर में येलो येलो डिब्री से होती है विच इज़ बेसिकली लिपिड. उस येलोविश डिब्री की वजह से इसका नाम एथ्रोमा पड़ता है. ठीक है, एथेरोमेटस प्लैक्स. ठीक है,
और ज्यादातर इसके अंदर एब्डोमिनल एओर्टा ज्यादातर इन्वॉल्व होती है, थ्रेसिक के मुकाबले में ज्यादातर एब्डोमिनल एओर्टा में आता है। और फिर जो मेजर वेसल जहाँ पे ब्रांचेज आ रही होती हैं एओर्टा वगैरह से, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज हो रही होती हैं, वहां पे भी एथ्रोमेटस प्लाक्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एथ्रोमेटस प्लाक्स नजर कैसे आते हैं। अब तीन चीजें उसके अंदर होती हैं, एक तो ये होता है कि सेल्स होते हैं, अब वो स्मूथ मसल सेल्स हो, लिकोसाइट्स हो, मैक्रोफेजेस हो। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, यानी कॉलेजन, इलास्टिन, प्रोटीन्स वगैरह, फाइबर्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स। फिर उसके अलावा लिपिड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, जो खाली फैट था उसके ऊपर एक फाइबरस पार्ट आ जाता है, ये जो फाइबर्स हैं वो जमा हो जाते हैं, तो वो फाइबरस कार्ब में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आप इस डायग्राम इसकी अगर आप देखें, मॉर्फोलॉजी देखें इसकी, तो बीच में ये सेल है, यानी कि सेल डेब्री है, कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं, लिपिड डिपॉजिट्स हैं, कोलेस्ट्रोल के क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं, वो होता है, ठीक है। कैल्शियम भी हो सकती है, एज आई टोल्ड यू कि एक कैल्सिफाइड टाइप ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर ये स्मूथ मसल सेल्स आ गए, मैक्रोफेजेस वगैरह आ गए, और इसके अंदर साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोनेंट्स आ गए, यानी कॉलेजन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकन्स, और थोड़ी थोड़ी नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। सो इस तरह से ये पूरे का पूरा एथेरोमा नजर आता है फाइब्रस कैप के साथ। ये फाइब्रस कैप इसलिए क्योंकि कॉलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वो इसके अंदर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपका एथेरोमेटस प्लाक माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा कैल्शियम आके डिपॉजिट हो जाए वहां पे, वो एरिया टूट जाए, रप्चर हो जाए, आर्टरी वहां से फट जाए, या वहां पे ब्लॉकेज हो जाए थ्रू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, या वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या प्लेक प्लाक के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, यहाँ पे ब्लड आके जमा होना शुरू हो जाए। और इसके अलावा एनोरिज्म, जो डायलेशन होती है, मतलब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे आर्टरी के बीच में आके यहाँ पे जमा होना शुरू हो गया है कुछ, तो वो फिर आर्टरी जो है वो वहां से थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी और साइड से ब्लड को फ्लो करवाने की कोशिश करेगी। सो एनोरिज्म इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। होता कहाँ पे ये है ज्यादा, एपिडेमियोलॉजी का मतलब है दुनिया में कहाँ कहाँ नजर आता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है ज्यादातर, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होता है। सेंट्रल साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे कम होता है, मेनली बिकॉज लाइफ स्टाइल ऐसा होता है वहाँ पे, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे तो भाई काम करना पड़ता है, कमाओगे तो इतने खाओगे, वहाँ पे वाला सीन नहीं होता यहाँ मतलब ज्यादातर। लेकिन अब यहाँ पे भी उतना ही ज्यादा एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेस होने शुरू हो गए हैं जितने बाहर होते हैं, ये किसी जमाने में इट वॉज ट्रू बट इट्स नॉट ट्रू एनीमोर। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वही रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट अटैक वगैरह के होते हैं, एज, एडवांस्ड एज, जो सेक्स में मेल ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं, और फिर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, क्योंकि प्रोटेक्टिव इफेक्ट एस्ट्रोजेंस का खत्म हो जाता है। फिर जेनेटिकली अगर खानदान में ज्यादा लोगों को होता है, या लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है वो जेनेटिकली थोड़ी स्लो है, तो उन लोगों को हो सकता है। फिर लाइफस्टाइल और हैबिट्स वगैरह, डाइट वगैरह, और उसके अंदर फिर जो मेन एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, हाइपरलिपिडीमिया, एलडीएल और एचडीएल ज़्यादा हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, स्मोकिंग करता हो, डायबिटीज़ हो, होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा हो, दिस इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो आपने बायोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। और इसके अलावा कुछ थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स हो जो थ्रोम्बोसिस को अफेक्ट कर रहे हो, उन चीज़ों में ये चांसेस ज्यादा होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। अब एथेरोस्क्लेरोसिस का पैथोजेनेसिस क्या है? अब यहाँ पे जो है ना, काफी सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन सारे स्टेप्स को भी हम देख लेते हैं, लेकिन इसके जगह अगर आप ये डायग्राम देख लो ना, सो दिस इज द बेस्ट थिंग। होता क्या है, ये अब तीन लेयर्स आपको दिखाई हुई है, एंडोथीलियम विच इज द इंटीमल लेयर का पार्ट, फिर मीडिया जिसमें स्मूथ मसल सेल्स हैं, एडवेंटिशिया, ये तीन लेयर्स हैं आर्टरी की। फिर क्रॉनिक इंजरी हो रही है, मतलब बड़े अरसे से थोड़ा 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 डिपॉजिट होता जा रहा है, या थोड़ा थोड़ा मसला होता जा रहा है। इंजरी कैसे हो रही है, जो रिस्क फैक्टर्स आपको बताए थे अभी, स्मोकिंग कर रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, लिपिडीमिया है, होमोसिस्टीन लेवल ज्यादा है, टॉक्सिन आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, कोई इम्यून रिएक्शन हो रहा है, किसी ना किसी तरह से एंडोथीलियम को इंजरी हो रही है, ठीक है। फिर एंडोथीलियम स्लोली स्लोली जो इंजरी के बाद डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, उसका परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मोनोसाइट्स आके लगते हैं, ल्यूकोसाइट्स आके लगना शुरू हो जाते हैं, फिर स्मूथ मसल आना शुरू हो जाता है और मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाता है। फिर मैक्रोफेज और स्मूथ मसल जो यहाँ पे आया होता है, वो फैट को डिपॉजिट खाना शुरू कर देता है, ठीक है। जब वो फैट को खाना शुरू करता है, तब वो फैटी डॉट्स एंड फैटी स्ट्रीक्स बनना शुरू होती हैं, ठीक है। फैटी डॉट्स तकरीबन शुरू में पहले ही शुरू हो जाते हैं, फिर फैटी स्ट्रीक्स बनना शुरू होती हैं। फिर उसके बाद
जो स्मूथ मसल है स्लोली वो प्रोलिफरेट करता है, फिर कॉलेजन फाइबर्स और वो सारा कुछ आके जमा होना शुरू होता है, और फिर उसके ऊपर जब ये फाइबर्स और ये सारा कुछ आके जमा होना शुरू होता है, जब प्रॉपर प्लैक बन जाता है विद अ फाइब्रस कैप, तो फिर जो है इवेंचुअली हम उसे कहते हैं कि अब जो है वो फाइब्रो फैटी एथेरोमा बन गया है. सो इंस्टेड ऑफ दीज टू थ्री स्लाइड्स, सॉरी दीज टू स्लाइड्स, दिस स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट. इसको अगर आप अच्छी तरह से कर लो तो स्टेप्स ऑफ steps included in the pathogenesis of atherosclerosis is something very 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 important. ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना. पहले इंजरी होती रहेगी, फिर स्मूथ मसल सेल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, फिर वो स्मूथ मसल और मैक्रोफेजेस सेल्स लिपिड जमा करना शुरू करेंगे अपने अंदर, फिर उसके बाद कॉलेजन फाइबर्स और उसके ऊपर आके आना जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फाइबर्स कैप बन जाएगी और फिर यूँ पूरा एथरोमेटस प्लाक बन जाएगा. ठीक है, इसके अलावा नाउ वी आर डन विद एथरोस्क्लेरोसिस, लेट्स टॉक अबाउट अदर टाइप ऑफ डिजीजेस ऑफ आर्टरीज. वी हैव हाइपरटेंसिव वेस्कुलर डिजीज. हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन जो है बेसिकली न सिर्फ कोरोनरी हार्ट डिजीज कर सकती है, यानी हार्ट अटैक वगैरह कर सकती है, बल्कि सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स भी कर सकती है. जो सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या CVA होता है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट स्ट्रोक. ठीक है, तो होता क्या है? होता ये है बेटा कि जो सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होता है उसमें सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट को तो अभी हम नहीं कर रहे, सॉरी अभी हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन होती किस तरह की है. दो तरह की बेसिक हाइपरटेंशन होती है या रेज ब्लड प्रेशर होता है. एक को आप कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो 90% लोगों में होती है उसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं. एसेंशियल का मतलब ये है कि कोई कॉज नहीं है उसका या कोई कॉज पता नहीं चल रहा. मतलब लोगों की थ्योरीज हैं कि क्रॉनिकली अगर आप स्ट्रेस्ड हो या क्रॉनिकली आप एंगर आपके अंदर बहुत ज्यादा हो तो हाइपरटेंशन हो सकती है या ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है, बट दोज थ्योरीज हैव नॉट साइंटिफिकली बीन प्रूव्ड बिकॉज दे आर इम्पॉसिबल टू प्रूव. एंड द रीजन दे आर इम्पॉसिबल टू प्रूव इज कि उसके लिए आपको बहुत लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करनी पड़ती हैं और पेशेंट का आप हर वक्त का एंगर मॉनिटर करें और हर वक्त का स्ट्रेस मॉनिटर करें, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. बट रीसेंट एडवांसमेंट्स इन साइकियाट्री एंड सच डिजीज आर gonna make it possible perhaps in the next 100 years or 200 years, I don't know. But essential hypertension is basically jisme aapko cause pata nahi chalta but ho jati hai. Uske alawa secondary hypertension hoti hai jise aap kehte hain uske andar koi na koi cause hota hai. Theek hai, sabse zyada jo cause hota hai 5-10% secondary hypertension ka, matlab jo 10% reh gaye hain usme se bhi 5% ya 10% jo renovascular hypertension hoti hai jisme renal artery ki vessels jo renal vessels hain sorry किडनी की जो आर्टरीज हैं, किडनी की जो वेसल्स हैं, वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं एथेरोमेटस प्लैक की वजह से. जब वो नैरो होना शुरू होती हैं तो उसकी वजह से फिर हाइपरटेंशन जो है वो रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन होती है. वहाँ पे ब्लड प्रेशर से पहले ज़्यादा होना शुरू होता है, फिर उसकी वजह से फिर बाकी ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. और इसके अलावा और सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉजेज होती हैं जिसमें जो आपका जो हॉर्मोन्स होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के, वो उनमें जो मसले होते हैं प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा व्हिच इज ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, उन सारी जो एड्रीनल ग्लैंड की जो पैथोलॉजीज होती हैं उनकी वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है. सो बेसिकली दो तरह की हाइपरटेंशन है, एक एसेंशियल और एक सेकेंडरी. सेकेंडरी में रीनोवेस्कुलर इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो एड्रीनल ग्लैंड की कॉजेज होती हैं उसकी वजह से. सेकेंडरी और एसेंशियल में फर्क सिर्फ ये है कि कॉज का नहीं पता. अब बहुत कम केसेस में, तकरीबन 5% हाइपरटेंशन वाले लोगों में या ब्लड हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से रेज करता है और बहुत ज़्यादा रेज करता है, उसे मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं. और अगर ऐसे होता रहे मतलब 170, 180, 200 के करीब ब्लड प्रेशर जाता रहे सिस्टोलिक खास तौर से, और एक दो साल तक ऐसा होता रहे और आप उसे ट्रीट ना करें, तो फिर डेथ हो सकती है. दैट काइंड ऑफ हाईली रेज ब्लड प्रेशर इज नोन एज मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन. अच्छा खैर, दीज आर बेसिकली, ये ज़्यादातर ये जो डेफिनेशन आपको बताई हैं ये हार्ट कोर पैथोलॉजी नहीं है, थोड़ा थोड़ा मेडिसिन से लिंक है, लेकिन चूंकि पैथोलॉजी और मेडिसिन इवेंचुअली ओवरलैप करती है, थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए. अच्छा, इसके अलावा व्हाट डू वी हैव एथरोजेनेसिस, ये एथरोस्क्लेरोसिस वाला पार्ट. अच्छा, अब हाइपरटेंशन के अंदर की एथरोस्क्लेरोसिस कैसी होती है, वो जो थर्ड टाइप ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस आपको बताया था, उसके अंदर दो तरह की होती है. आपको मैंने बताया था एक हायलिन होती है, एक हाइपरप्लास्टिक होती है. जो हायलिन होती है उसके अंदर हायलिन डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो अगर आप उसको देखो तो पिंक से हायलिन किस्म की वॉल ऑफ आर्टरीज जो है, आर्टीरियोल बेसिकली
वो थिक होना शुरू होता है, इसको हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्योंकि छोटी आर्टरीज के अंदर हो रहा होता है और ल्यूमेन जो है वो छोटा होता जाता है। और न सिर्फ ये हाइपरटेंशन के अंदर होता है बल्कि डायबिटीज के पेशेंट में भी स्लोली स्लोली इस तरह से हाइलिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जहां तक ताल्लुक है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का, उसमें क्या होता है, उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर की फॉर्म में कंसेंट्रिक थिकनिंग होती है। मतलब कंसेंट्रिक थिकनिंग, अनियन स्किन कंसेंट्रिक थिकनिंग का मतलब ये है कि इस तरह से जिस तरह से आप अनियन काटते हैं तो उसके अंदर यूं लेयर्स आ रही होती है ना, सो इस तरह से लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं आर्टरी के अंदर, आर्टीरियोल के अंदर। ठीक है, ये मेन उसकी लेयर थी, लेकिन उसके अलावा और लेयर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं इतनी सारी। ठीक है, ये जो और लेयर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं या बनना शुरू होती हैं उसे हाइपर प्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक अनियन स्किन गाज की जो आप काटते हैं जिसके अंदर आपको लेयर्स नजर आती हैं, उस तरह से कंसेंट्रिक थिकनिंग होती है। कंसेंट्रिक का मतलब है एक सेंटर के गिर्द गोल गोल घूम रही है थिकनिंग, सो यूं यूं होगी, मतलब गोल गोल होगी इसके गिर्द। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी थिकनिंग हो रही है, लेकिन कंसेंट्रिक का मतलब है कि एक सेंटर के गिर्द गोल घूम रही है। ठीक है, सो हाइलिन जो हाइपर प्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है उसके अंदर ये होता है। हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइलिन डिपॉजिट, तो ये दो तरह की आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, विच इज अ काइंड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एज आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर व्हेन वी जस्ट डिड डिजीजेस ऑफ आर्टरीज। अच्छा, अब ये दो डिजीजेस हो गई, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को हमने अच्छी तरह से देख लिया, उसकी टाइप्स देख ली, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की टाइप्स देख ली। अब वेस्कुलाइटिस के बारे में बात करते हैं। वेस्कुलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स। दो तरह की वेस्कुलाइटिस होते हैं, एक इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस जब बैक्टीरिया या वायरस या फंगस वगैरह की वजह से होंगे, बैक्टीरिया में निजीरिया जब करता है वायरस तो इन्फेक्शियस होता है। रिकेट्सियल बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो वेसल्स की इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। और स्पाइरल शीटल यानी जो जो सिफिलीज कॉज करती हैं उस तरह के बैक्टीरिया कर सकते हैं, फंगस कर सकती हैं, वायरस कर सकते हैं, वो इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं आर्टरीज के। इसके अलावा एक इनके बगैर नॉन इन्फेक्शियस वेस्कुलाइटिस होता है, उसे सिस्टेमिक नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस भी कहते हैं, जो कि एओर्टा और मीडियम वेसल्स को करता है या स्मॉल वेसल्स को करता है। ये कैसे होता है बेटा, इसके अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, वो इस तरह से डिरेंज होता है कि वो आपकी आर्टरीज को खुद ही अटैक करना शुरू कर देता है और उनको इन्फ्लेम करना शुरू कर देता है। तो इसके पैथोजेनेसिस में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं एक आर्टरी और सॉरी एक एंटीबॉडी और एक जो एंटीजन है उसका जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसको इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि एक एंटीबॉडी जब एक एंटीजन को डीन्यूट्रलाइज सॉरी न्यूट्रलाइज करना चाह रही हो, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेज आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं वेसल की वॉल्स में, तो जब वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो वेसल इन्फ्लेम्ड हो जाती है। फिर एक और तरह की एंटीबॉडीज होती है, उन्हें एंका एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्म की एंटीबॉडीज, वो आके वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती हैं, या एंडोथेलियल सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो ये तीन तरह की पैथोजेनेसिस होती है, इसके अलावा और भी होती हैं। तो इसकी वजह से इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से जब ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें आके जमा होना शुरू होती हैं वेसल्स के अंदर, तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, जो इन्फेक्शस नहीं कॉज इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा, बाहर से आने वाली कोई चीज़ नहीं कर रही, बॉडी के अंदर की चीज़ें कर रही हैं। सो दोज आर नोन एज नॉन इन्फेक्शस वेस्कुलाइटिस। ठीक है, वेस्कुलाइटिस कहते हैं, ये जो है ये प्लूरल है वेस्कुलाइटिस की, तो बेसिकली आप वेस्कुलाइटिस यूज करो, दिस इज द वर्ड राइट, कॉल इट वेस्कुलाइटिस, इतना प्लूरल कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब वेस्कुलाइटिस जो है वो क्लासिफाई होते हैं बहुत सारे टाइप्स में। अब वो टाइप्स किस तरह से बनती हैं, एक टाइप बनती है साइज ऑफ इन्वॉल्व वेसल के मुताबिक, या साइट के मुताबिक किस जगह पे हो रहा है, या क्लिनिकली कैसे नजर आती है वो, ठीक है, या इसके अलावा क्या उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकली वो लियन कैसे नजर आती है, तो आप माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे नजर आ रही है, बॉडी में हो कहाँ पे रही है, क्लिनिकल सिंड्रोम क्या बन रहा है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, या कितनी बड़ी ब्लड वेसल, मीडियम स्मॉल या शॉर्ट ब्लड वेसल है, उसके मुताबिक हम इन वेस्कुलाइटिस को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस की टाइप्स हैं, फिर मीडियम साइज वेसल की टाइप्स हैं, और फिर स्मॉल की। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज। लार्ज वेसल में दो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जॉइंट सेल आर्थराइटिस या टाकायासू आर्थराइटिस, उसको पल्सलेस डिजीज भी कहते हैं, इसको टेम्पोरल आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी आर्टरी है एओर्टा जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। फिर आपको ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन वगैरह का पता होगा, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आपने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ी होगी।
सो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब ग्रैनुलोमा बन जाता है एओर्टा के अंदर और इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस के अंदर. इसके अंदर जो ज्यादा एरिया इन्वॉल्व होते हैं, साइट इन्वॉल्व है, वो एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांचेस हैं, कैरोटिड आर्टरी की और टेम्पोरल आर्टरी की. टेम्पोरल आर्टरी आपके टेम्पोरल रीजन पे होती है, तो जिसे कनपटी भी कहते हैं. तो टेम्पोरल आर्टराइटिस सर की साइड पे, आंख के पीछे, आंख और कान के बीच में तकरीबन वहाँ पे जो आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होती है, टेम्पोरल आर्टरीज कहते हैं उसके अंदर. यहाँ पे इस एरिया में बहुत शदीद पेन होना शुरू हो जाती है. सो 50 साल से ऊपर वाले लोगों में ज़्यादातर होता है. और इसके साथ इसकी एसोसिएशन है एक और बीमारी के साथ, उसे कहते हैं पॉलीमाइलेजिया रूमेटिक, जिसके अंदर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स में पेन होती हैं. सो ये जॉइंट्स एल आर्थराइटिस हो जाता है. फिर इसके अलावा टाका या सो आर्थराइटिस है, ये भी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है और ये भी बड़ी आर्टरीज की है, एओर्टा और इसकी ब्रांचेस की, और ये भी 50 साल से ऊपर के लोगों में होता है. ठीक है, इसके अलावा भी है मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस, जिसमें पॉली आर्थराइटिस नोडोजा होता है, जिसे पैन कहते हैं. ये नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन इसमें क्या उसे कहते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नहीं होता. अच्छा, अब इसमें ना जो इन्वॉल्वमेंट है, जो क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है. सो अक्सर वेस्कुलाइटिस में ना किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो आपने डिफ्रेंशिएट करना हो जब मुख्तलिफ वेस्कुलाइटिस की टाइप्स में विद इन सब टाइप, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, किडनीज इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ये अक्सर इन्वॉल्व हो जाते हैं अदर देन द आर्टरीज दैट आर ऑलरेडी इन्वॉल्व. ठीक है, सो ये जो पैन है इसके अंदर नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बगैर, मतलब वो नहीं, किडनीज इन्वॉल्व नहीं होती. जो कावासाकी डिजीज है उसके अंदर आर्थराइटिस होता है और साथ में म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज विच इज अनदर नेम फॉर कावासाकी डिजीज. एक सेकेंड, आई थिंक लेट मी जस्ट या कंफर्म. मोनोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम में होता यह है कि ना सिर्फ वो आर्टरीज और वेसल्स जो हैं इन्वॉल्व वो इन्फ्लेम होना शुरू होती हैं, उसके आसपास के लिम्फ नोड्स भी जो हैं वो एनलार्ज होना शुरू हो जाती हैं. सो दैट इज बेसिकली व्हाट कावासाकी डिजीज इज. तो इसके अंदर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होनी है, इसकी स्पेशल बात यह है, वेन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं और ये बच्चों में भी हो सकता है. फिर इसके अलावा एक और टाइप ऑफ मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस है, विच इज नोन एज थ्रोमोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, विच इज बर्जर्स डिजीज. उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाता है और मीडियम स्मॉल साइज आर्टरीज में खासतौर पे हैवी स्मोकर्स में होता है. ठीक है, इसकी खास बात यह है कि स्मोकर्स में हो सकता है और यंग मैन में भी हो सकता है. और जो आर्टरी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है वो टांग की आर्टरी, टीबियल आर्टरी. ठीक है, और थ्रोम्बोसिस होता है इसके अंदर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस. मतलब क्या है कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, साथ में वो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस भी होगा, मतलब वहाँ पे क्लॉट भी बनेगा. अच्छा, इसके अलावा जो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है उसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस, शर्क्स स्ट्रॉस, माइक्रोस्कोपिक फॉरेंजाइटिस, नॉक्स नॉरिन पर्परा एंड गुड पास्टर सिंड्रोम. सो वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस में क्या होता है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, और इसके अलावा कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज सारा कुछ इन्वॉल्व हो रहा है और साथ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो रहा है, नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि किडनी भी इन्वॉल्व हो रही है. फिर शर्क्स स्ट्रॉस सिंड्रोम में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व हो रहा है और इसके अलावा एस्थमा वगैरह और ब्लड इयोसिनोफिलिया, मतलब अगर आप ब्लड टेस्ट करवा के देखो तो उसके अंदर इयोसिनोफिल ज्यादा हुआ होता है. सो एस्थमा, ब्लड इयोसिनोफिलिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज के साथ ये ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर है जो इन्वॉल्व कर रहा होता है सबको. सो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक और किडनीज भी इन्वॉल्व हो रही है. माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में सबसे ज्यादा छोटी वेसल्स होती है जिसका नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस हो रहा होता है, कुछ इम्यून डिपॉजिट्स हो सकते हैं उसको आप उसके अंदर नजर आ सकते हैं आपको इन अंडर द माइक्रोस्कोप, और इसके अंदर भी किडनी इन्वॉल्व होती है और लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. हिनॉक्स नॉलिन पर्परा ज़्यादातर बच्चों में होता है और हिनॉक्स नॉलिन पर्परा में बड़ों में भी होता है. हिनॉक्स नॉलिन पर्परा में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी की जो 5 टाइप्स है उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी है वो उसके बने हुए डिपॉजिट्स ज़्यादातर होते हैं वेसल्स के अंदर. अभी हमने बात की थी ना इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है, तो आईजीए वाले इम्यून कॉम्प्लेक्स इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं. और इसके अंदर न सिर्फ वेसल्स ऑफ किडनी इन्वॉल्व है, इसके अंदर गट की वेसल्स यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है और स्किन भी इन्वॉल्व हो रहा है. इसकी एसोसिएशन होती है आर्थराइटिस वगैरह के साथ, जॉइंट पेन वगैरह के साथ, आर्थ्रेल्जिया या आर्थराइटिस वगैरह के साथ एसोसिएशन होती है. सो आपने जब इन आर्टरीज को, इन वेस्कुलाइटिस वगैरह को डायग्नोज करना होता है ना, तो ये जो क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट है, एक तो सिर्फ
जैसे हमने अभी किया था ना कि इसकी ना सिर्फ वेसल्स किस एरिया की वेसल्स इन्वॉल्व हो रही है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन हो रही है, इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन भी हो रही है, यानी कि आप इससे भी डायग्नोस कर सकते हैं कि उसके साथ और बॉडी में कहाँ कहाँ मसले आ रहे हैं। तो फिर आप सोच सकते हो अच्छा फिर ये हिनॉक्स नॉरिन परपरा लगता है, अगर इसके साथ साथ यहाँ पे भी मसला है, गट में भी मसला है, ग्लोमेरुला में मसला है, जॉइंट्स का मसला है, ठीक है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वेस्कुलाइटिस डिफरेंशिएट होते हैं। फिर गुड पास्टर सिंड्रोम बेसिकली किडनी का बीमारी है, इसमें ग्लोमेरुलाइटिस होता है, यानी कि ग्लोमेरुलस जो है जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और फिर इसके अंदर बी लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और क्या होता है कि कैपिलरीज में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज द पैथोजेनेसिस। बट गुड पास्टर सिंड्रोम में आर्टरी की वेस्कुलाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन होगी स्मॉल साइज की, लेकिन किडनी और लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे और स्पेशली एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज बनेंगी। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ वेस्कुलाइटिस। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेनॉल्ड्स डिजीज। अगेन रेनॉल्ड्स डिजीज आपने किया था कि पैलर साइनोसिस होता है उंगलियों पाँव और हाथों की उंगलियों में और टिप्स ऑफ नोज और ईयर पे भी हो सकता है, जिसमें वेजोस्पैज्म हो जाता है छोटी आर्टरीज का जिसमें ब्लड फिर आगे जाता नहीं है। यंग मैन विमेन सब में होता है और एज सच ऑर्गेनिक चेंजेस नजर नहीं आती एंड पे जाके, एंड अनलेस अंटिल बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए। इसके अलावा एनोरिज्म क्या होता है, एनोरिज्म इज एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ट्रू जो होती है उसके अंदर कंप्लीट एनोरिज्म हो जाता है और आर्टीरियल वॉल जो है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। जो फॉल्स एनोरिज्म है उसके अंदर एक वेसल के बाहर हेमाटोमा होता है, मतलब ट्रू और फॉल्स में ये फर्क है। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं ट्रू और फॉल्स में फर्क ये है कि जो ट्रू एनोरिज्म है वो तो पूरे की पूरी आर्टरी जो है वो फूल रही है एक एरिया से, ठीक है। जो फॉल्स एनोरिज्म है दिस इज ट्रू, अगर इसी को मैं फॉल्स बनाऊं तो उसमें आर्टरी के अंदर एक हिमाटोमा बन गया, ठीक है, आर्टरी के बाहर सॉरी एक हिमाटोमा बन गया और वो इन्वेड कर रहा है आर्टरी के अंदर वाली स्पेस को और उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि आर्टरी जो है वो फूली हुई है। सो दैट इज नोन एज फॉल्स एनोरिज्म, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉजेज होते हैं इन एनोरिजम्स की, वो एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस है जैसे अभी हमने किया था, इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन, ठीक है। सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन की अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इट विल बी टू लॉन्ग, बट बस ये याद रखिएगा कि दो किस्म के मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू एनोरिज्म हो सकता है। इसके अलावा सिफिलीज की भी जो टर्शियरी स्टेज होती है उसके अंदर भी एनोरिज्म हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो डाइसेक्शन होती है ऑर्टिक डाइसेक्शन, डाइसेक्शन क्या होती है उसके अंदर ये होता है कि जो वॉल है ना आर्टरी की, जो वॉल है उसके अंदर लेयर्स बन गई हैं, मतलब आर्टरी जा ये आर्टरी थी, ठीक है, ये आर्टरी की वॉल है एक साइड पे और ये दूसरी साइड पे। अब इसकी जो दूसरी साइड वाली वॉल है मिसाल के तौर पे उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बन गया है, ठीक है, दैट इज नोन एज डाइसेक्शन, ठीक है। एक आर्टरी के अंदर ही वॉल के अंदर एक यहाँ पे ब्लड जा रहा है और एक इस चैनल के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, दो चैनल बन जाते हैं विद इन अ वेसल, दैट इज नोन एज डाइसेक्शन, ठीक है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप वन एंड टाइप टू, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। सो अगर मिसाल के तौर पे इसको डिबैकीज क्लासिफिकेशन कहते हैं टाइप वन एंड टाइप टू, सो अगर अगर तो एओर्टा के शुरू में असेंडिंग पोर्शन में हो रहा है बिल्कुल, तो दैट इज नोन एज टाइप ए, ठीक है, असेंडिंग पोर्शन इन्वॉल्व कर रहा है अगर, लेकिन अगर खाली डिसेंडिंग पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज नोन एज टाइप बी, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन है, ये अगर आप उसको काट के देखें तो ये एक नॉर्मल चैनल है, उसके अलावा एक साइड पे और चैनल बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, वो इसको एओर्टिक डाइसेक्शन कहते हैं। एओर्टा एक तरह से डाइसेक्ट हो गई है साइड से, ठीक है। अच्छा वी आर डन विद द मेन डिजीजेज ऑफ आर्टीरियल सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम की बेसिक्स तो आपको पता होंगी बेटा, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड रिकवरी होती है, इसके अंदर लिम्फ होता है जो कि फ्लूइड है इटसेल्फ और लिम्फैटिक कैपिलरीज हैं। लिम्फैटिक कैपिलरीज जो है वो उनकी जो ओपनिंग होती है दे आर गार्डेड, ठीक है, उसके ऊपर एंडोथेलियल सेल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं और जब एंडोथेलियल सेल्स जो है वो इस तरह से वाल्व लाइक फ्लैप्स बनाते हैं, मतलब इसके अंदर से वो जब ये फ्लैप खुलेगा तो ओपनिंग खुल जाएगी और अंदर चला जाएगा फ्लूइड, ठीक है, जब वो बंद हो जाएगा तो ओपनिंग बंद हो जाएगी, मतलब ये कैपिलरी को आप देख रहे हो कि लिम्फैटिक कैपिलरी किस तरह की होती है और फ्लूइड आखिर कैसे लिम्फ वेसल्स के अंदर और बाहर जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा
लिम्फैटिक वेसल्स की भी वही तीन लेयर्स हैं तकरीबन, ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा मीडिया एंड एक्सटर्ना, एंडोथीलियम स्मूथ मसल्स एंड आउटर लेयर जो कि ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पोनेंट्स की बनी होती है। फिर इसके अंदर फ्लो कैसे करता है, बेसिकली वेसल्स कलेक्ट करती हैं नोड्स के थ्रू और फिर वो ट्रंक्स में बन जाती हैं, फिर इवेंचुअली वो एक राइट लिम्फेटिक डक्ट बनती है, एक थ्रेसिक डक्ट बनती है, और थ्रेसिक डक्ट इवेंचुअली सारे का सारा फ्लो लेके जाती है हार्ट में, वेनस सिस्टम के थ्रू रिटर्न कर देती है। तो आपको पता है कि मुख्तलिफ एरियाज में जो नोड्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं, पहले पहला स्टॉप नोड्स होता है अपने अपने एरिया का, फिर उसके बाद इवेंचुअली वो आगे जाता है और फिर स्लोली स्लोली बड़ी डक्ट्स में से होता हुआ वेनस सिस्टम में जाता है और फिर वहाँ से इवेंचुअली हार्ट में चला जाता है। सो ये फ्लो है। अब लिम्फेटिक सेल्स किस तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो कि थायमस में होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मैक्रोफेजेस जो कि मोनोसाइट से बनते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स, रेटिकुलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे के सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम को। फिर लिम्फेटिक टिश्यू दो तरह का होता है, एक डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू होता है जो कि ऑर्गन भी कहते हैं उसे, जैसे थायमस वगैरह है, और लिम्फेटिक नोड्यूल्स होती हैं और कुछ पैचेस होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन में पेयर पैचेस होते हैं, और इसके अलावा जो है लिम्फेटिक नोड्यूल्स बी और टी लिम्फोसाइट्स की बनी हुई होती हैं जो कि लिम्फ नोड्स जिसे आप कह रहे हैं। और इसके अलावा क्या होता है उसके अंदर, एक म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू माल्ट भी होता है जो कि जीआई ट्रैक्ट में ज़्यादातर होता है, और इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू होता है। यानी कि जो ये इम्यून सेल्स या इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं आपको ये बताया जा रहा है, और किस किस शेप में मौजूद होते हैं ये आपको बताया जा रहा है। फिर इसके अलावा ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑर्गन्स में आपका स्प्लीन आ जाता है, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, और लिम्फ नोड्स को भी ऑर्गन समझ लिया जाता है, और जो बोन मैरो है उसको भी आप प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कंसिडर कर सकते हैं, और थायमस जो कि आपके नेक में होता है उसको भी आप लिम्फेटिक ऑर्गन कंसिडर कर सकते हैं। व्हाट एल्स डू वी हैव, अच्छा अब बेसिक्स बेसिक बातें हो गई, थोड़ी सी हमने एनाटमी, थोड़ी सी हमने फिजियोलॉजी लिम्फेटिक्स की पढ़ ली, अब हम देखते हैं डिजीजेज हैं क्या क्या। सो बेसिकली एक तो वेन्स और लिम्फेटिक्स डिजीज में वेरिकोज वेन्स आप ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फ्लेबो थ्रोम्बोसिस, फ्लेब जहाँ पे भी आ जाता है वर्ड उसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू वेन्स, फिर सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम, एंड देन लिम्फेंजाइटिस एंड लिम्फ एडीमा। लेट्स टॉक अबाउट डिजीज ऑफ वेन्स एंड लिम्फेटिक्स में, लेट्स टॉक अबाउट के जब वेसल्स फूल जाती हैं तो उसको आप कहते हैं, वेन्स जब फूलती हैं तो उसे आप कहते हैं वेरिक्स फॉर्मेशन या वेरिसीज, प्लूरल उसकी VARICES होती है। सो वेरिक्स फॉर्मेशन की दो साइड्स होती हैं इंपॉर्टेंट, एक इसोफेगस और इनर रेक्टल जंक्शन। कॉजेज भी होते हैं उसके कुछ, जब लिवर सिरोसिस हो जाए या पोर्टल हाइपरटेंशन हो, आई एम श्योर कि पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होगा कि जब लिवर के अंदर से गुजरने वाला ब्लड जो है जो कि पोर्टल सर्कुलेशन होती है वो उसका प्रेशर रेज हो जाए तो उसकी वजह से जो पीछे वेन्स होती हैं उससे पीछे आने वाली वेन्स उस पोर्टल पोर्टल सिस्टम के अंदर जो वेन्स ड्रेन कर रही होती हैं जिसके अंदर इसोफेगस की वेन्स भी होती हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो वेन्स फूल जाती हैं, तो वो वेन्स जब फूल जाएँ तो वो वेन्स की वॉल्स जो है ना वो बड़ी वो हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं। तो जब वो वॉल्स थिन होती हैं तो फिर क्या हो सकता है, फिर एक्सक्यूज मी, फिर जो है ना ब्लीडिंग हो सकती है, वॉल रप्चर हो सकती है और फिर ब्लीडिंग हो सकती है, वो ब्लीडिंग बहुत सीरियस हो सकती है और उसको इसोफेजियल वेरिसीज कहते हैं। एक और तरह की डायलेशन होती है वो भी वेरिकोज डायलेशन उसे आप कहते हैं, वो हेमराइडल प्लेक्सस में होती है, यानी कि जो आपकी एनोरेक्टल जंक्शन में जहाँ पे वेन्स होती हैं वो जब उन पे जोर लगता है या उन पे प्रेशर पड़ता है बहुत सारी रीजन की वजह से पड़ सकता है, एक रीज़न सिरोसिस या लिवर की प्रॉब्लम्स भी हैं, हाइपरटेंशन भी है, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो फूल जाती हैं और फूली हुई वेन्स को हेमराइड्स कहते हैं, और वो मुख्तलिफ रीज़न की वजह से हो सकती हैं और वहाँ पर ब्लीडिंग भी हो सकती है और फिर अगेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, ठीक है। और आपको पाइल्स वगैरह जब आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो उसके अंदर हेमराइड्स के अंदर आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ होती है, बट दैट इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ द वेन इटसेल्फ। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है, मतलब वेन में किसी वजह से, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्लॉट होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म की वजह से वो क्लॉट बन सकता है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जेनेटिकली क्लॉट ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, या ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे, या पोस्ट ऑपरेटिव बेड पे पड़े हुए हैं, प्रेगनेंसी वगैरह हो रही है, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। डीप लेग वेन्स का थ्रोम्बोसिस ज़्यादातर होता है, और ये जब थ्रोम्बोसिस हो जाता है इन वेन्स
में, तो उसका फिर आपको पता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, और एम्बोलिज्म जो है वो लंग्स में जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जैसे अभी आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था। फिर वेना केवा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम क्या होते हैं? सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम बेसिकली ट्यूमर्स की वजह से होता है, या कभी कभार एओर्टिक एनरिज्म की वजह से, जिसकी वजह से सुपीरियर वेना केवा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो, वो दब रही हो। तो मिसाल के तौर पे लंग का कैंसर है या मीडियास्टिनम का कोई कैंसर है, जैसे दो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, उसकी वजह से सुपीरियर वेना केवा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और फिर उस ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो फिर वो क्या होता है, एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, साइनोसिस हो जाता है, और हेड नेक और आर्म्स की वेन्स जो है वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि ऊपर से वेन्स आ रही है ना, नेक और हेड और आर्म्स की वेन्स ने ड्रेन होना है सुपीरियर वेना केवा में, और फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होगा, सही तरह से ड्रेन नहीं होगा, तो साइनोसिस हो जाएगा और वो वेन्स डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी पल्मोनरी वेसल्स भी इम्पैक्ट होती हैं, तो फिर उसकी वजह से सांस लेने में भी मसले हो सकते हैं। सो दिस इज सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। जो इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम है, दैट इज बेसिकली अ कंप्रेशन ऑफ सुपीरियर, सॉरी इन्फीरियर वेना केवा, वो किस तरह से कंप्रेस हो सकती है? अब नीचे से क्या क्या चीजें आ रही हैं, नीचे इन्फीरियर वेना केवा लिवर के पास से गुजरती है, तो अगर लिवर में कैंसर है या किडनी के पास कैंसर है और वो बड़ा होता जा रहा है, या कोई थ्रॉम्बस बन रहा है वहां पे, तो उसकी वजह से जब वो इन्फीरियर वेना केवा को दबाना शुरू करती है तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उसकी ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है, उससे जो जहाँ से सुपीरियर वेना केवा लेके आ रही है सारे का सारा ब्लड, उसके पीछे फ्लूइड जमा होना शुरू रहता है, सो लेग्स का एडिमा बन होना शुरू रहता है। इसके अलावा वेन्स लोअर एब्डोमेन वगैरह की डिस्टेंड होना शुरू हो जाती है, रीनल वेन्स डिस्टेंड होना शुरू रहती है, और अगर रीनल वेन्स में मसला हो जाए, उस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन का इम्पैक्ट पहुंचना शुरू हो जाए, तो जो आपका यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन जो है वो ज्यादा डिपॉजिट होना शुरू होती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है बॉडी से निकलना शुरू होती है, इसे मैसिव प्रोटीनूरिया कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम रीनल सिस्टम को पक करेंगे। बहरहाल फिलहाल आपने सिर्फ ये देखना है कि सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा में हो कुछ नहीं रहा, ट्यूमर वगैरह की वजह से वो दब रही है और उसके पीछे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है, जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है वहाँ वहाँ सिम्टम्स बन रहे हैं, मतलब वेसल्स ज़्यादातर या वेन्स डायलेट हो रही हैं, और फिर उनकी वजह से जिस जिस सिस्टम में डायलेशन हो रही है वहाँ वहाँ डिस्ट्रेस आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव? लिम्फेजाइटिस एंड लिम्फेडिमा ज़्यादातर ऑन इट्स ओन नहीं होते, ये कोई साथ इन्फ्लेमेशन हो या कैंसर हो या इन्फेक्शन हो उसकी वजह से होता है। लिम्फेंजाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक्स, ये लिम्फेसल्स, वो कब होती है? जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो, तो पूरी की पूरी अगर वो इन्फेक्शन इस तरह का है जो लिम्फेसल को पकड़ रहा है, तो पूरी की पूरी इन्फ्लेम हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लिम्फेडिमा क्या होता है? किसी वजह से, ट्यूमर की वजह से, मिसाल के तौर पे या ट्यूमर के बाद जब रेडिएशन थेरेपी हुई तो उसकी वजह से जो फाइब्रोसिस हो जाता है, उसकी वजह से, किसी ट्रामा की वजह से, किसी चोट की वजह से, किसी किसी भी थ्रोम्बोसिस की वजह से, या किसी भी वजह से ट्यूमर क्लॉट बनने की वजह से, अगर लिम्फ चैनल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, लिम्फ आगे ड्रेन ना कर सके, तो वो जो लिम्फ वेसल्स हैं वहाँ पे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, सो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव लिम्फेडिमा कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जिस एरिया में वो लिम्फ वेसल होती है, उस सारे एरिया में जरूरत से ज़्यादा फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, सो ऑब्स्ट्रक्टिव लिम्फेडिमा उसे कहते हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज ट्यूमर्स। ट्यूमर्स में हमने क्या करना है? दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक बिनाइन ट्यूमर्स, एक बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स, और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स वो हैं जो मसला नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है, और बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स जो है मसला क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वो दे आर बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। सो बिनाइन ट्यूमर्स क्या है? हेमेंजियोमा, हेमेंजियोमा कैपिलरी की ग्रोथ है जो एकदम से रेडिश सी वो ग्रो करती है, एक्सोफेटिक लाइक एक छोटी सी रेड सा नोड्यूल बनता है, और वो जो है बॉडी में स्किन के ऊपर आ जाता है, और एक छोटी सी स्टॉक के साथ वो स्किन के साथ लगा होता है, सो वो स्किन के ऊपर भी हो सकता है और आपके ओरल कैविटी के अंदर भी हो सकता है, आसानी से ब्लीड कर देता है ये और अल्सर्स बन जाते हैं, लेकिन ये बिनाइन होता है, मतलब ये बड़ा कैंसर नहीं बनता। सो अगर आपको दिखाया जाए, ये इस तरह का छोटा सा हेमेंजियोमा है यहाँ पर, ये यहाँ पे है, ठीक है, सो एक रेडिश सा कैपिलरी की एक डायलेशन है, रेड नोड्यूल बन गई है, ग्रो कर रही है वो, और स्किन के साथ लगी हुई है, ये आपको जैसे बताया ओरल कैविटी या चीक्स के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, लिम्फेंजियोमा अगेन हेड नेक और एक्जिला की स्किन में होता है, और यहाँ पे लिम्फ वेसल जो है वो थोड़ी सी लिम्फ वेसल का ट्यूमर बन रहा है। ग्लोमस ट्यूमर, ग्लोमस बिनाइन ट्यूमर होता है लेकिन पेनफुल होता है, ये ग्लोमस बॉडी के स्मूथ मसल्स के अंदर होता है। ग्लोमस बॉडी क्या होती है? जहाँ नॉर्मल आर्टीरियो वेनस एनास्टमोसिस होता है ना, मैंने शुरू में आपको बताया था एक एबनॉर्मल आर्टीरियो वेनस एनास्टमोसिस होता है, एक नॉर्मल आर्टीरियो वेनस एनास्टमोसिस होता है टिप्स ऑफ फिंगर्स वगैरह में, व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन थर्मोरेगुलेशन, जब
जब ज्यादा ठंड लग रही है, जब ज्यादा गर्मी लग रही है, तो वहां पे वो जो आरटीवी वेनस ऑस्मोसिस होता है उसकी डायलेशन या कंस्ट्रक्शन जो है वो हेल्प करती है थर्मो रेगुलेशन में. अगर वो उसको ग्लोमस बॉडी कहते हैं, उस आरटीवी वेनस ऑस्मोसिस को, उसका जो स्मूथ मसल है उसका अगर ट्यूमर बन जाए तो वो पेनफुल होता है, उसे ग्लोमस ट्यूमर कहते हैं. तो ये स्किन में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज में ज्यादातर होता है और जीआई ट्रैक्ट के अंदर होता है. और इसके अलावा जहाँ पे आरटीरियल वेनस एनास्थेमोसिस ज्यादा, यानी फिंगर नेल्स के अंदर, वहां पे ये हो सकता है ग्लोमस ट्यूमर. सो अगर आपको दिखाया जाए ये ग्लोमस ट्यूमर है जो फिंगर टिप के अंदर हो रहा होता है, सब अंगल एरिया, सब एंगुल एरिया जो कि नेल के नीचे का एरिया है वहां पर ट्यूमर, मतलब शरीर पेन होती है इसके अंदर, ठीक है, इसे ग्लोमस ट्यूमर कहते हैं. इट इज अ बिनाइन ट्यूमर लेकिन पेनफुल बहुत है. फिर वेस्कुलर एक्टेजिया, एक्टेजिया का मतलब होता है डायलेशन या डिस्टेंशन, किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की जो डायलेशन हो जाए, मतलब जो भी छोटी छोटी कैपिलरीज या वेसल्स हैं वो फूल जाए या स्वेल सोलन हो जाए, उसको एक्टेजिया कहते हैं. उसके अंदर काफी सारी टाइप्स है, नीवस फ्लेमस है, स्पाइडर टेल इंजेक्टेजिया है, हेरिडिटरी हेमरेजिक इंजेक्टेजिया है, ऑस्टलर वेबर रेंडू डिजीज है, ये सारी की सारी मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इलनेसेज हैं जिनको हम अपने अपने सिस्टम के अंदर जब जाएंगे तो फिर करेंगे. बट आप सिर्फ इस वक्त ये समझें कि एक्टेजिया का मतलब यह है कि जो ट्यूब है पूरी की पूरी वो एबनॉर्मली डायलेट हो जाए और वो उसका ट्यूमर बन जाए, ठीक है. और इसके अलावा लिम्फेंजियोमा की आपको टाइप दिखाई है, जब लिम्फ नोड पूरी की पूरी जो है वो सारी की सारी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा उसके अंदर ट्यूमर बन रहा है, ठीक है. दैट इज व्हाट लिम्फेंजियोमा इज. हेड नेक और एक्जिला में, नेक और इन रीजन पे होता है जहाँ पे ज्यादातर नोड्स होती हैं. अच्छा, इसके अलावा बॉर्डरलाइन ट्यूमर क्या है, जो ना बिनाइन है ना मेलिग्नेंट है, अभी बीच में है. कैपोसी सार्कोमा एड्स के पेशेंट में सबसे ज्यादा होता है. मल्टीपल रेडिश पर्पलिश स्किन लाइंस नजर आती हैं, प्लैक्स रेज एरियाज नजर आते हैं या नोड्यूल्स नजर आते हैं, ज्यादातर टांगों में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है टांगों से, और स्लो ग्रोइंग ये ट्यूमर्स होते हैं कैपोसी सार्कोमा, ठीक है. और इसके अलावा इसके अंदर जो है इरेगुलर ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन स्लोली स्लोली इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, गोल गोल बड़े बड़े प्लम्प टाइप मोटे से, और उनको उनकी जो है वो ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और वो जमा होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा एक और होता है हेमेंजियो एंडोथीलियोमा. हेमेंजियो एंडोथीलियोमा, हेमेंजियोमा और एंजियोसार्कोमा जो एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसके बीच की एक चीज़ होती है, ठीक है. और इसके जो सेल्स होते हैं दे आर क्यूबॉइडल और एपिथेलियल सेल्स की तरह होते हैं. और यस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम इट, हेमेंजियो एंडोथीलियोमा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेलिग्नेंट ट्यूमर कैसे होते हैं. मेलिग्नेंट ट्यूमर में वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स, वन इज एंजियोसार्कोमा एंड द अदर इज हेमेंजियोपेरिसाइटोमा. जो एंजियोसार्कोमा है ओल्डर एडल्ट्स में ज्यादा होता है, कहीं पे भी हो सकता है बॉडी में, लेकिन मेन साइट्स में इसकी स्किन है, सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेस्ट एंड लिवर. नाउ एंजियोसार्कोमा इज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर. हेमेंजियोपेरिसाइटोमा इज अनदर टाइप ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, बट इट इज वेरी रेयर, जनरली कैन बी एट एनी प्लेस इन द बॉडी बट मोस्टली इट इज इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड इन द रेट्रोपेरिटोनियम. जो पेरिटोनियम का पीछे जो स्ट्रक्चर था एब्डोमेन में, जो पेरिटोनियम जिन एरिया कवर नहीं करती, वहां पे ये अक्सर हो जाता है. और इसके इर्द गिर्द जो है साइनोसॉइडल स्पेसेस होते हैं और स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, और 50% जो है ये स्प्रेड करके लंग्स, बोन और लिवर में पहुंच जाते हैं और वहां पे सेकेंडरी ट्यूमर कॉज करना शुरू कर देते हैं या सेकेंडरी कैंसर कॉज करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से कैंसर फैल जाता है. इट इज वेरी वेरी रेयर. सो हेमेंजियोपेरिसाइटोमा एंड एंजियोसार्कोमा आर टू टाइप्स ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स. ऑलराइट, सो दैट इज इट.